आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप बहुत ही बेसिक टॉपिक है, पर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आज हम इस पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड बॉडी का वो मीडियम है जो न्यूट्रिएंट, एंजाइम या जो भी नेसेसरी, जो भी नेसेसरी जो सब्सटेंस है उनको एवरी सेल तक लेके जाता है और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट इसका ड्रेन करता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि ब्लड ग्रुप आखिर बना कैसे और है क्या ये। ब्लड ग्रुप सबसे पहले जो देखा गया, एक ऑस्ट्रेलियन सीरोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर एक ऑस्ट्रेलियन सीरोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले ये चीज देखी कि कोई भी ब्लड हर एक ब्लड के साथ मैच नहीं हो रहा है। यानी जब आप हर एक ब्लड को किसी में मिक्स करते हो तो कोई कोई ब्लड एग्लूटिनेशन में आ रहा है और कुछ ब्लड दूसरे ब्लड के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ये देखा उसने। उसके बाद उसने इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया और उसने 1901 में ब्लड ग्रुप, एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप, जो कि मोस्ट बेसिक यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया। इस ब्लड ग्रुप के अंदर क्या था कि उसने सबसे पहले तो उनको लिया जो आपस में एग्लूटिनेट हो रहे थे, जो नहीं हो रहे थे, और सबसे पहले इसने ए बी ओ नाम तो लास्ट में दिया गया। सबसे पहले जब इसने कार्ल लैंडस्टेनर ने जब इंट्रोड्यूस किया ब्लड ग्रुप सिस्टम को तो इसने उस टाइम इसको नाम दिया था ए बी और सी। लेकिन उसके बाद जब इसमें उसके बाद इसने दोबारा इसको सी को हटा के ओ में रिप्लेस किया। ओ का मतलब होता है ओनिंग, यानी जर्मन के अंदर इसका मतलब जर्मन लैंग्वेज में ओ नहीं जर्मन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है खाली या कुछ नहीं या नथिंग। तो ये था इसने जो थोड़ा उसके बारे में इंट्रोड्यूस। अब ये है क्या और ये कैसे एग्लूटिनेट होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, शुरू के वो चीज़ देखते हैं कि ब्लड ग्रुप आखिर है क्या, कैसे इसको बनाया गया। सबसे पहले देखते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है क्या। ये क्या है, एक टाइप के एंटीजेंस जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन बनते हैं किसे, कार्बोहाइड्रेट की चेन से। कार्बोहाइड्रेट चेन, कार्बोहाइड्रेट चेन इन आरबीसी जो आरबीसी पे जो एंटीजन है उनको फॉर्मेट करती है। ये कार्बोहाइड्रेट चेन डिफरेंट डिफरेंट वे में जुड़ी रहती है और एज ए एंटीजन अपनी प्रेजेंस देती है।
तो ये कार्बोहाइड्रेट के मोस्टली चार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। एक तो है, उसमें से अगर अपन उन चारों का नाम देखें तो एक इसमें आता है ये एसिटाइल, गलेक्टोमाइन। सेकंड आता है ए एसिटाइल ग्लूकोमाइन। थर्ड जो आता है फ्यूजन और जो फोर्थ आता है वो है गैलेक्टोज। ये फ्यूजन नहीं था। फ्यूकोज फ्यूकोज ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स है ये चेन में एडजस्ट होके और इन एंटीजेंस का निर्माण करते हैं। तो इन पे अगर एक एक के हिसाब से देखा जाए तो 3 RBCs अपन बना के एक देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले अपन ओ का देखते हैं RBC, RBC रेड। इस RBC पे जो बना ये मान लो O की RBC है, ये O टाइप है। इस पे जो बना ये हेक्सागोन शेप में होता है, फोर। इसमें ओ के अंदर चार इसके होते हैं, चार कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स चेन के रूप में संयोजित होके और ये उसका निर्माण करते हैं। ये इससे ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे इसमें से दो तो होते हैं गैलेक्टोज के, ये तो ब्लू से मैं गैलेक्टोज कर रहा हूँ, ये गैलेक्टोज, ये हो गया गैलेक्टोज। और ये है एसिटाइल ग्लूको सोमाइन और ये जो एक रह गया ये है फ्यूकोज। फ्यूकोज ये है ओ टाइप के जिसपे इस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर ए की बात करते हैं
ए की जो आरबीसी है, एक ए भी, ए की आरबीसी बना के ए भी बात करते हैं। ये मान लो ए की आरबीसी है, ए की आरबीसी, ए की आरबीसी में जो ये किस शेप में जुड़ी होगी इसकी कार्बोहाइड्रेट की चेन, इसमें क्या है कि ये गैलेक्टोज, फिर एक गैलेक्टोज, फिर ये ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन आगे एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज से फिर जुड़ता है, और इसके साथ फ्यूकोज अटैच रहता है। ये शेप रहती है उसमें ए टाइप के अंदर। अब जो बी का देखते हैं, बी में ये बी की आरबीसी, बी के अंदर क्या होता है, एक गैलेक्टोज, फिर एक गैलेक्टोज से जुड़ता है, उसके बाद वो ग्लूकोसामाइन में जुड़ता है, फिर ग्लूकोसामाइन एक गैलेक्टोज में जुड़ता है, और ये फुकोज से जुड़ता है। ये बी की रहेगी। ये सब नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है ये सब आप ध्यान में रख सकते हो। बेसिक नर्सिंग क्वेश्चन इतना डीप नहीं आता है कि आप मॉलिक्यूल्स के नाम या कुछ पूछे जाए ब्लड ग्रुप के अंदर। ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है पूरी लाइफ के अंदर? हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी है। वैसे तो ये ऑलवेज सेम रहता है, बट कुछ कंडीशन ऐसी है, सम कंडीशंस आर जैसे मेलिग्नेंसी है, कोई किसी भी टाइप की अगर मेलिग्नेंसी है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, या कोई इन्फेक्शन है, ये बहुत रेयरली, ये कंडीशन रेयरली में चेंज ब्लड ग्रुप। रेयरली है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस, ये सब कंडीशंस डिपेंड करती है, इन सब कंडीशंस के अंदर ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, पर रेयरली है, ये कॉमनली ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, जब एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके बाद उसमें जो भी ब्लड होगा, जिस भी टाइप की सेल होगी, उस टाइप की ब्लड सेल के साथ साथ जब उसके अंदर दूसरे टाइप के कोई एंटीजन नहीं होते हैं, तो वो जब इन्फेक्शन में एक्सपोज होता है तो विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में उसमें आईजीएम, जो अपने इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी है, जो हर एक इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट
स्टिमुलेट होती है, जो एंटीबॉडी सबसे पहले जो बनती है इम्यूनोग्लोबिन सीरीज की, वो है इम्यूनोग्लोबिन एम, वो बन जाती है। तो ये किसी किसी कंडीशन में जो सीरम के अंदर है वो ये देखा गया है, प्लाज्मा में ये देखा गया है कि एंटी, जैसे कोई किसी का अगर ए ग्रुप है तो एंटी ए इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी देखी गई है। तो ये कुछ जो ब्लड सेल पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट में ये आईजीएम भी कई बार बन जाती है, लेकिन आरएच टाइप का जो ब्लड होता है उसके अगेंस्ट में ये नहीं बनती है। तो वो उस टाइप का ब्लड होता है उसके लिए आपको बाहर से एंटीबॉडी देनी कंपलसरी ही है, क्योंकि वो कोई भी वो जो टाइप का एंटीजन है वो बॉडी को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है विद, और उसके अगेंस्ट में नेचुरली कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है। एबी ब्लड ग्रुप क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, कैसे होता है, कौन सा टाइप का, ए कैसे बनेगा, बी कैसे बनता है। अगर कोई एंटीजन अगर किसी आरबीसी पे अगर कोई आरबीसी है, अगर उस आरबीसी पे अगर ए टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ए टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है किसी भी आरबीसी पे, उस टाइप के ब्लड का नाम होगा ए ब्लड ग्रुप, और इसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी वो रहेगी एंटी बी। दूसरी कंडीशन में अगर किसी आरबीसी पे अगर बी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, अगर बी स्ट्रक्चर के एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम बी रहेगा और उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटी ए प्रेजेंट रहेगा, एंटी ए प्रेजेंट रहेगा। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर किसी आरबीसी पे अगर कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी प्लाज्मा के अंदर दोनों टाइप के एंटीबॉडी रहेंगे, ए भी है इसमें और बी भी है। ये एंटीबॉडी है इसका जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये भी एंटीबॉडी है, ये भी एंटीबॉडी है, ये इन पे स्ट्रक्चरल एंटीजन लगे हुए हैं। तो जब प्लाज्मा के अंदर जिस टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस टाइप का ब्लड तो उसमें अपन दे नहीं सकते हैं। जैसे अगर ये तीन अलग अलग इंसान हैं, अगर ये वाला ब्लड अगर इसमें देंगे तो ये आते ही एग्लूटिनेट हो जाएगा, बिकॉज इसका रीजन ये रहेगा कि जो आरबीसी की सरफेस है, आरबीसी की सरफेस पे बी टाइप के स्ट्रक्चर के कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप जुड़े हुए हैं जो एज ए एंटीजन वर्क कर रहे हैं, जो एज ए एंटीजन वर्क कर रहे हैं, बी टाइप के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये अगर इस बंदे में ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इसके प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी एंटी बी प्रेजेंट है, जो इस आरबी के साथ इस एंटीजन के साथ जुड़ेगी और आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो मेनली टाइप के अंदर यही होता है कि अगर कोई ए टाइप का
पर्सन हैं तो उसकी ब्लड के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होता है, तो आप ऐसी किसी भी कंडीशन में नहीं दोगे जिस पे जिस आरबीसी पे कोई भी एंटी बी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन को ओ बोलेंगे, इसमें एक भी एंटीजन नहीं है, तो एक भी एंटीजन नहीं है तो इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी का ब्लड इसके अंदर दे सकते हैं अपन। एक दूसरा जो मेन सेकंड मोस्ट कॉमन जो ग्रुप है वो है आरएच ग्रुप। आरएच ग्रुप के अंदर क्या रहता है कि अगर किसी ब्लड के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर एबसेंट है तो उसको आरएच नेगेटिव बोलेंगे। जो आरएच पॉजिटिव है, जो आरएच पॉजिटिव है उसके अंदर आरबीसी पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये ब्लड ग्रुप में, ए ब्लड ग्रुप में अगर ए एंटीजन के साथ साथ इस पे अगर आरएच एंटीजन भी है, आरएच एंटीजन भी अगर इस पे प्रेजेंट है, जैसे ये अगर इस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलेंगे ए पॉजिटिव, और अगर ये आरएच एब्सेंट है तो इसको अपन बोलेंगे इस कंडीशन में ए नेगेटिव। ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ऐसे ही सेम बी में, ऐसे ही सेम ओ में। तो अगर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर आर एच नेगेटिव है, अगर आर एच एंटीजन एबसेंट है इस पे, तो इसको बोलेंगे ओ टाइप का जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज इसके ओ पे कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस इंसान का ब्लड अगर किसी भी इंसान को देते हैं तो ऑलरेडी इस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो चाहे दूसरे जो रिसीवर होता है उसके ब्लड में कोई सी भी एंटीबॉडी हो, उस पे जब एंटीजन ही नहीं है तो इसमें एग्लूटिनेशन के चांसेस ही नहीं होते हैं। जबकि इसके अंदर ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है ब्लड की कि वो ज़्यादा एग्लूटिनेट करें, तो ये इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। आइडियली ऐसा नहीं किया जाता है, जो ब्लड ग्रुप है वो ही दिया जाता है। बस इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो होता है ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप। ए बी टाइप के दोनों टाइप के इस पे एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन हैं, तो इसकी सिंपल सी बात है, प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होगा। जब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये अगर किसी का रिसीव करेगा, कोई सा भी अगर रिसीव करता है, तो उस पे इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। मान लो ये बी वाला अगर रिसीव करता है ए बी, तो इसके पास एंटीजन है ए बी के, लेकिन ये जब बी को रिसीव करेगा तो इस पे एंटीजन है बी टाइप के, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट जो है मेनली, ये जो ब्लड ग्रुप है ये 2019 तक टू टाइप के अपने पास ब्लड ग्रुप थे, एक था एबीओ और एक था आरएच। लेकिन उसके बाद ह्यूमन ब्लड सोसाइटी ने 36 टाइप के और ब्लड ग्रुप फाइंड किए, और ये 2019 तक 38 की थी, उसके बाद कोई सा भी नहीं किया गया। इसके बाद एक जो सेकंड मोस्ट कॉमन आता है आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ये मकाका रिसिस नामक बंदर पे, मोंकी था,
का रिसेस क्वेश्चन होता है बहुत बार, उसे लिया गया था, उस पे पाया गया था, ये सबसे पहले खोजा गया था। और इसकी खासियत ये होती है कि ये किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हैं, फैक्टर से ही है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अगर कोई लेडीज अगर आरएच पॉजिटिव है, अगर कोई लेडीज आरएच पॉजिटिव है उसका तो कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर कोई जेंट्स आरएच पॉजिटिव है इसके एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होंगे। अगर इसकी शादी किसी आरएच नेगेटिव वाली से फीमेल से हो जाता है, फीमेल और ये मेल, इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता आरएच, ठीक है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों में कोई ब्लड मिक्स नहीं होता है, लेकिन ये आरएच नेगेटिव है, ये आरएच नेगेटिव है, इसकी बॉडी में किसी भी टाइप की कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगे, या इसकी बॉडी आरएच नेगेटिव को नॉर्मल रिस्पोंड करेगी। अब डिलीवरी टाइम में अगर इन दोनों का ब्लड उस बच्चे में, सॉरी, जो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होता है, लेकिन बेबी जो है अगर आरएच पॉजिटिव होगा, फादर पॉजिटिव है तो आरएच बेबी भी पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में अगर प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम पे अगर माँ और बच्चे का ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स होता है और ये आरएच फैक्टर अगर स्लाइडली भी मदर के अंदर जाता है, तो मदर की बॉडी इसको एज ए एंटीजन रिसीव करती है और इसके अगेंस्ट में आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। ये पहले क्रोनिक होता है, तो MIGM और सॉरी पहले एक्यूट होता है IGM, और उसके बाद जब ये लॉन्ग टर्म तक अगर ये रहेगा एज एंटीजन, तो उसके बाद क्या होता है कि IgG फॉर्मेट हो जाती है, जो लाइफ IgG, इसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, IgG बन जाएगी। अब पहली डिलीवरी में तो, पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर यही यही अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में सेम फैक्टर्स रहेंगे, मदर ऑलरेडी आरएच नेगेटिव है, फादर ऑलरेडी आरएच पॉजिटिव है, हालांकि पहली प्रेगनेंसी के अंदर, माँ के अंदर आरएच फैक्टर कुछ चला गया, जिसकी वजह से आरएच एंटीबॉडी बन गई। अब जब इसमें आरएच एंटीबॉडी बन गई माँ के ब्लड में, और वो भी IgG टाइप की, तो लॉन्ग टर्म तक रहती है। उसके बाद जब सेकंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुई, तो इसका बेबी फिर आरएच पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सेम फादर तो आरएच पॉजिटिव बेबी। जब आरएच पॉजिटिव बेबी हुआ, तो आपको पता है IgG टाइप की जो एंटीबॉडी होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो ये जो आरएच के अगेंस्ट में जो बनी हुई थी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और ये बच्चे में जाएगी, जबकि बच्चा आरएच पॉजिटिव है, बच्चे की आयुष आरबीसी पे क्या है, आरएच एंटीजन है, बच्चे की आरबीसी पे आरएच एंटीजन है, और माँ से IgG प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर आ गई। अब बच्चे के अंदर आ गई तो क्या हुआ, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। बच्चे के अंदर आने के बाद
आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, एक इसको फुल चार्ट बनाते हैं। जैसे मान लो, ये मान लो फादर आर एच पॉजिटिव, मदर आर एच नेगेटिव, बट एंटीबॉडी प्रेजेंट बिकॉज प्रीवियस प्रेगनेंसीज ऑल्सो आर एच पॉजिटिव फादर्स। इसमें जब एंटीबॉडीज के अंदर रहेंगे तो नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी में, या मैं लिख देता हूँ सेकंड प्रेगनेंसी, बच्चा जो हुआ बेबी वो आर एच पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आरबीसी की सरफेस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। जब इसकी आरबीसी में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है और उधर मदर के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड से आईजीजी बन रखी है, आईजीजी। देखो ये आईजीजी कैसे बना कि डिलीवरी के टाइम पे फर्स्ट में क्या हुआ कि फर्स्ट जो फादर था, फादर आर एच पॉजिटिव था, मदर आर एच नेगेटिव थी, तो जो बच्चा जो हुआ दोनों से उसके ब्लड ग्रुप में आर एच पॉजिटिव होगा 100%। तो पूरी प्रेगनेंसी में तो माँ और बच्चे का ब्लड कोई मिक्स नहीं होता है। प्लेसेंटा के थ्रू एक बैरियर से ऑस्मोसिस और उसके थ्रू डिफ्यूजन होता रहता है न्यूट्रिएंट का और उन सब का। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के टाइम पे कुछ बच्चे का ब्लड अगर मिक्स हो जाता है माँ से, तो माँ के अंदर जो ब्लड जाएगा अगर प्लेसेंटा से या किसी भी मीडियम से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पे जब बच्चे का ब्लड जाएगा तो बच्चे की भी जो ब्लड की आरबीसी है, आरबीसी पे जो आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उसको माँ एज एंटीजन रिसीव करेगी, क्योंकि ये है ही एंटीजन। जब इसको एज एंटीजन रिसीव करेगी तो उसके अंदर, मदर के अंदर, मदर इसके अगेंस्ट में सबसे पहले जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी आईजीएम। लेकिन ये ब्लड तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो एक्यूट कंडीशन के अंदर आईजीएम प्रोड्यूस होती है, और यही इन्फेक्शन जब क्रोनिक रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, तो मदर इसके अगेंस्ट आईजी प्रोड्यूस करेगी। जब इसके अगेंस्ट आईजीजी प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये लाइफ टाइम रहने वाली इम्यूनिटी है, या इसको मेमोरी इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। एक बार जो वैक्सीन या उनसे जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो आईजीजी होती है। एक बार का एक्सपोजर होने के बाद जब कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है तो उस टाइप की जो उसमें जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो आईजीजी टाइप की होती है। तो यही आरएच में हुआ, आरएच में आईजीजी प्रोड्यूस होगी और ये माँ के ब्लड के अंदर स्टोर हो गई नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए आ जाओ, जब नेक्स्ट टाइम के लिए अंदर क्या हुआ कि सेम फादर सेम मदर, तो बच्चा सेम आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव मीन्स बच्चे की जो आरबीसी है, आरबीसी पे आपको आर एच एंटीजन मिलेगा। जब आर एच एंटीजन मिलेगा, और आपको पता है कि जो आईजीजी है वो एकमात्र ऐसी है जिसका मॉलिक्यूल वेट होता है वो 50 माइक्रोन से कम होता है, तो ये प्लासेंटा को इजिली क्रॉस कर पाती है। इतने लो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से आईजीजी है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है। अब जब प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर से जब बेबी के अंदर ये आईजीजी आ जाती है अगेंस्ट आरएच के, तो ये क्या हुआ, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो गया, बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगी। तो जब बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगी, बेबीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, जब बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, हाइपोक्सिया।
आरबीसी कम तो न्यूट्रिएंट कम, न्यूट्रिएंट कम तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया तो ब्रेन में स्टिमुलेट गया, जब हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, हाइपोक्सिया हुआ, जब इधर हाइपोक्सिया हुआ तो ये हाइपोक्सिया ब्रेन में भी हुआ और यही किडनी में भी हुआ बच्चे की। जब बच्चे की किडनी में हाइपोक्सिया हुआ तो क्या हुआ जी, किडनी ने क्या रिलीज किया, इरिथ्रोपोइटिन। बच्चे की किडनी ने रिलीज किया इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन लॉन्ग बोन को स्टिमुलेट करेगा सर, इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन बच्चे की जो लॉन्ग बोन को स्टिमुलेट करेगा, क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस होगा सर। जब इरिथ्रोपोइसिस होगा और ऑलरेडी हाइपोक्सिया है बच्चे में, आरबीसी की कमी है, तो इरिथ्रोपोइसिस कोई कंप्लीट थोड़ी होगा। जब हैंड टू हैंड उधर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर इरिथ्रोपोइसिस बन रही है, तो क्या होगा, इमेच्योर सेल सर्कुलेशन में आएगी सर। तो आरबीसी जो इमेच्योर है वो क्या हुई, आरबीसी इन सर्कुलेशन, जब आरबीसी सर्कुलेशन में आ गई जो इमेच्योर है तो ये ऑलरेडी नहीं ले जा पा रही है, इमेच्योर है तो इस पे इतना आयरन भी नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन फिर नहीं ले जा रही है, फिर नहीं ले जा रही, तो हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, तो कार्डियोमिगेली। अब इमेच्योर सर्कुलेशन में आ गई, उधर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इधर बच्चे की लीवर पे फिर पड़ेगा, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो लीवर वर्क कर रहा है अभी, तो लीवर क्या हुआ, लीवर भी मिगेली होगी, लीवर फैटी हो गया, डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो गया उसमें। अब जब ये लीवर अपने हिसाब से जितना कर रहा है, तो ये आरबीसी को जब ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बनेगा सर। जब ये बिलिरुबिन बनेगा और ये बिलिरुबिन बिलिरुबिन बनेगा और बिलीबर्डिन बनेगा, बिलीबर्डिन बनेगा। अब ये बिलीबर्डिन और बिलिरुबिन दोनों ही ऐसी चीज है जो बीबीबी को क्रॉस करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर इसको क्रॉस कर जाएगी, बीबीबी क्रॉस हुआ तो बच्चे के ब्रेन में आ गया बिलिरुबिन। ये क्या होगा, ये सर ग्रे मैटर में जमना, ये ग्रे मैटर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा सर। जब ये बिलिरुबिन ग्रे मैटर में स्टोर होना लग जाएगा तो बच्चे के न्यूरॉन्स डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे का ब्रेन डिसफंक्शन हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे कनिक्चर्स। इस कंडीशन को बोलेंगे कर्निक्चर्स, कर्निक्चर्स, कर्निक्चर्स क्या है, कर्निक्चर एक टाइप की कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेन बच्चे का डिसफंक्शन होता है, किससे, ड्यू टू बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन से बिलिरुबिन न्यूरो को न्यूरॉन सेल्स को डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये बिलिरुबिन यहाँ बढ़ रहा है तो ये इसमें भी बढ़ रहा है, अब क्या होगा जी, बच्चे की डेड होगी, डिसफंक्शन से बच्चा डेड हो गया। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो क्यों क्या होगा, वो सर गोल्डी कलर का होगा, सुनहरी गोल्डन कलर का, बिकॉज बिलिरुबिन और बिलिरुबिन
गोल्डन कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो आर एच इनकम्प्लीटी, एक क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पे, आर एच इनकम्प्लीटिटी से एमनियोटिक फ्लूड का कलर कौन सा हो जाता है? तो जी एमनियोटिक फ्लूड का जो कलर हो जाता है सर, वो होता है गोल्डन कलर का, इस टाइप का कलर इसमें हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी एंटी सीरम यूज करते हैं। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस ये है कि जो सीरम है सीरम फॉर ग्रुप टेस्ट, तो इसमें क्या है कि सीरम वो चीज है जिसमें फाइब्रोजन निकाल के, फाइब्रोजन के अलावा सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फाइब्रोजन या क्लोटिंग फैक्टर्स, उसको सीरम बोलते हैं। और प्लाज्मा में सब होता ही है। तो जो सीरम की जो स्टडी करता है उसको सीरोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तीन टाइप की सीरम ली जाती है, कलर कोड भी होता है इसका। जो ए के लिए ली जाती है वो होती है ब्लू कलर की, जो ए के लिए यूज की जाती है वो होती है ब्लू कलर की, जो बी के लिए यूज की जाती है वो होती है येलो कलर की, और जो डी के लिए यूज की जाती है वो होती है कलरलेस। याद करने का बेसिक ए बी रिलेटेड कर दो। स्लाइड पे ड्रॉप ली, एक स्लाइड ली, स्लाइड पे ब्लड की तीन ड्रॉप ली, तीनों ड्रॉप पे सर ब्लड के ड्रॉप पे एंटी सीरम की एक एक ड्रॉप डाल दो। अब जिसके साथ एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाएगा ये, मतलब ये एंटी ए, एंटी ए, एंटी बी और ये आर एच वाली। जो आर एच वाली तो ऐसे हैं कि जिसमें ये एंटी डी हो गई, डी ऐसे हैं कि आर एच फैक्टर है ना, एक चीज और बता देता हूँ, आर एच फैक्टर उसकी मोस्टली 50 टाइप के एंटीजन, 50 टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं आरएच में, लेकिन इसका जो मोस्ट जो सीरियो टाइप है वो डी है, तो इसलिए एंटी डी ही लेते हैं। डी एक ऐसा टाइप है जो खुद तो स्टिमुलेट होता है लेकिन चार टाइप के अलग और एंटीजन को प्रोड्यूस कर देता है, तो इसलिए सबसे डेंजरस है आरएच के अंदर। मेनली यही जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए एंटी डी रखते हैं इसमें। अब डी के अंदर क्या है जी, ये एंटी डी है, इसके अंदर अगर हुआ तो ये एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू हुआ तो क्या है जी, आर एच पॉजिटिव है। शुरू नहीं हुआ तो क्या हुआ जी, एंटी एंटी डी, तो उसमें कोई काम नहीं किया तो आर एच नेगेटिव है। अब एंटी बी, तो अगर बी टाइप का अगर इसमें एंटीजन होगा तो एंटी बी एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, बी। ओके, थैंक यू सो मच।